ठेके खुले ने दारू दे ठेके बंद करा दो, एनजीओ बंद करा दो, भुक्की फीम दे ठेके खिला दो जरूर। बस इस तो वध मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इन्होंने सानू दस्या ने जी पोस्टर लाता लिख के इन्होंने, कहते मैं कल मैडम को आया भी मैडम जी दवाई दे दो, कहते अज नहीं भी बेटे कल मिलूगी। मैं ठीक है जी। खन्ना सिविल हस्पताल विच उस वेले अज हंगामा हो गया जदों नशा करन वाले व्यक्तियों नूं स्टाफ की हड़ताल कारण नशा छड्डन वाली दवाई नहीं मिली अते नाराज होकर कुछ व्यक्ति हस्पताल अंदर पानी वाली टैंकी ते जा चढ़े। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार खिलाफ नारेबाजी भी की। नशा छड्डन की दवाई लैणा व्यक्तियों का कहना सी कि हड़ताल कारण दवाई नहीं मिल रही। दूजे पासे हस्पताल दे विच नशा छड्डन की दवाई देने वाले स्टाफ ने उन्हां नूं पक्का ना कीते जाण कारण पंजाब सरकार नूं जगाउण लई हड़ताल करना अपनी मजबूरी दस्सिया। उन्हें कट्ठे होया सर सानूं दवाई मिलदी थी जी नशे छड़ाऊ केंद्र चों। अच्छा जी। मेरी फाइल बनाई सी, मैनूं बड़ा माण थी इन्हां दे, डाक्टर आए सी लुधियाणों ते कहिंदे वी तुहाडे नशे छड़ा देंगे। असीं कहा ठीक है जी। साडे इन्हां ने बहुत वादे करे जी, बहुत वधिया सानूं स्टाफ मैंबरां ने दवाई दित्ती जी। बस कुछ समय तो इन्हां ने सानूं दस्या ने जी पोस्टर लाता लिख के इन्होंने, कहते मैं कल मैडम को आया भी मैडम जी दवाई दे दो, कहते अज नहीं भी बेटे कल मिलूगी। मैं ठीक है जी। तो अज असी आए सवेरे जी भी चल मैडम आऊगी 8:30 बजे, साड़ी मैडम आँदी है जी। तो मैडम आ गई जी, मैडम ने आके कहती जी मैं भी साढ़े तो उड़े स्ट्राइक है जी भी जाओ घर भी, असं गरीब आदमी हाँ जी, पहले नंबर तो सानू दिहाड़ी नहीं मिलती जी, जे दिहाड़ी मिलती भी है जी तो असं उड़े लेट हो जाने जी, तो अपने दोबारा फिर घर मुड़ जाने। दसो साडा की कसूर है जी। असं जिहड़े पंजाब दे मुख्यमंत्री नवें चन्नी जी बने ने, असं उन्हां नूं इक बेनती करदे हां जी भी सर या तां ठेके भी बंद करा दो शराब दे, हैं या फिर ओह कर दो नहीं भुक्की फीम दे ठेके खोल दो, नहीं इह साडी इंडस्ट्री बंद ना करिओ जी। की गल सर, असीं जिओ नहीं सकदे, अद्धे मरे हां जी, असीं कम नहीं कर सकदे। सानूं जी दवाई मिलदी कदे 3 दिन दी, 4 दिन दी, हफ्ते दी, कदे 2 दिन दी। जिस करके असी सारे पंजाब दे विच काम बंद करके असी अज स्ट्राइक ते हैगे आ ते सानू मजबूरी नू ये स्टेप चकना पिया। जिहड़ी स्ट्राइक आ अनमिथे समय लई आ? हां जी अनमिथे समय लई आ। 2 दिन असी हॉस्पिटल चा, फिर असी खरड़ जाके स्ट्राइक करांगे कंटिन्यू 15 तरीक तो। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ? ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਜੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ।